वाराणसी में आज प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा सपना सच हो रहा है। केंद्र में मोदी की सरकार बनने के 2 साल बाद आज वाराणसी में गंगा में मालवाहक जहाज चलाने की योजना की शुरुआत हो रही है। आज केंद्रीय सड़क और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी वाराणसी में गंगा में 2 मालवाहक जहाज रवाना करेंगे। मोदी सरकार ने 2014 के पहले बजट में ही गंगा में जल परिवहन की घोषणा की थी। 4200 करोड़ की परियोजना अब पूरी हो चुकी है। गंगा में बड़े पैमाने पर जल यातायात का सपना शुक्रवार को सच हो जाएगा। शुक्रवार को केंद्रीय जल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वाराणसी से मालवाहक जलपोत को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पहले चरण में जलमार्ग संख्या 1 यानी वाराणसी से कोलकाता तक कॉमर्शियल परिवहन की सुविधा शुरू होने जा रही है। 800 टन का जलपोत वीवी गिरी काशी से कोलकाता के बीच 900 किलोमीटर का सफर तय करेगा। जलपोत वीवी गिरी अपने पहले सफर में 30 मारुति कार लेकर कोलकाता जाएगा। अभी इधर से गाड़ी लोड हुआ, एक गाड़ी अप टू कलकत्ता तक चला जाएगा। कितने दिन में पहुंचेगा? इट इज अराउंड 7 डेज, लेकिन लेटर इन नियर फ्यूचर इट विल गो विद इन 5 डेज। अभी तक 24 गाड़ी लोड हुआ, ये और भी लोड कर सकता है। निगोशिएशन चल रहा है कंपनी का साथ, मारुति कंपनी के। पहले चरण में इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की जाएगी और धीरे धीरे इस जलमार्ग को और विकसित किया जाएगा। भारत में अभी जलमार्ग परिवहन का शेयर मात्र 3.6% है, जिसे 2018 तक 7% किया जाएगा। 2020 तक 200 टन कार्गो जलमार्ग के जरिए भेजने का लक्ष्य तय किया गया है। 12 तारीख को वाराणसी में मैं जा रहा हूं और 2 शिप्स पहली बार उसका इनॉग्रेशन होगा और उसमें मारुति सुजुकी के साथ हमने एग्रीमेंट किया है और पहली बार मारुति सुजुकी की गाड़ी अब वाराणसी से निकलकर कलकत्ता जाएगी और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट तक भी ले जाने का विचार है। और दूसरा शिप जो है वो विशेष रूप से कंस्ट्रक्शन मटेरियल का है और दोनों का 12 अगस्त की शुरुआत हो जाएगी। मोदी सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र और राज्य के बीच टकराव भी देखने को मिला। ट्रायल रन के लिए मालवाहक जहाज करीब महीना भर पहले ही वाराणसी पहुंच गए थे, लेकिन कछुआ सेंचुरी का हवाला देकर राज्य सरकार ने इन्हें चलने की इजाजत नहीं दी। लंबी बातचीत के बाद यूपी सरकार ने बीते शनिवार को इस शर्त पर एनओसी दी थी कि जहाज सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच और 5 किलोमीटर की रफ्तार से ही कछुआ सेंचुरी से गुजरेंगे। वाराणसी से अमित सिंह के साथ रवि पांडे, इंडिया 24/7। अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से, हमारे संवाददाता। अमित, मैं 2 चीजें आपसे जानना चाहूंगा। एक तो ये कि जो कार्यक्रम है उसकी तैयारियां आप किस तरह से देख रहे हैं, वाराणसी के लोगों में कितना उत्साह है, और दूसरा ये कि एक तरफ जहाज चलेंगे और दूसरी तरफ गंगा बचाओ अभियान, कैसे होगा दोनों एक साथ? जी बिल्कुल, जो दूसरा सवाल आपका है वो ज्यादा प्रासंगिक है क्योंकि गंगा में जो एवरेज जो वाटर फ्लो है वो किसी से छिपा नहीं है। लगातार पानी की स्थिति है जो वो कम होते जा रही है, तो जहाज 12 महीने कैसे चलेंगे और फ्लो को लेकर लगातार संत समाज लगातार पर्यावरणविद आंदोलन करते रहे हैं और बावजूद इसके अविरलता अभी भी एक बड़ा मुद्दा है गंगा का, और ऐसे में बड़े जहाज चलाए जा रहे हैं तो ये एक बड़ा प्रश्न है और कैसे इससे मंत्रालय और सरकार निपटेगी ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं माल ढुलाई को लेकर एक बड़ा राहत मिलने जा रहा है व्यापारी वर्ग को, आधे से भी कम हो जाएगी जो माल ढुलाई की लागत है। इसके साथ साथ नदी परिवहन के लिए एक क्रांतिकारी इसको बदलाव कह रहे हैं विशेषज्ञ कि अब तक 3% ही नदियों के माध्यम से जो माल ढुलाई है वो हो पा रहा है, तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि सड़कों को लेकर सड़कों के बनाने में जो समस्याएं आ रही हैं और जो लागत आ रही है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है सरकार के लिए, तो ये एक अच्छा
कदम है, अच्छा अवसर है परिवहन के दृष्टिकोण से। लेकिन गंगा की अविरलता को लेकर एक बड़ा सवाल अभी भी अपनी जगह खड़ा है कि 12 महीने गंगा में जहाज चलेंगे कैसे जब लगातार गंगा में फ्लो कम होते जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया।